हाय फ्रेंड्स, आज कुछ हल्का बनाते हैं और मूड है कुछ खट्टा और अच्छा खाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज बनाते हैं सिंधी कढ़ी, माय स्टाइल। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच बेसन, मेथी दाना, जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, धनिया पाउडर ऑलमोस्ट 2 चम्मच, गरम मसाला, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो प्योरी या टमाटर 3 ऑलमोस्ट मैंने उसको ग्राइंड करके रख लिया है, और टर्मरिक, जो आपका टर्मरिक और क्या साथ में आपका इमली, दोनों को मिला करके मैंने उसका एक पल्प बना लिया है। चाहे आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। फिर सब्जियों में जो हमें चाहिए सबसे मेन क्री इंग्रेडिएंट वो है फलियाँ, फिर प्याज, बैंगन छोटे, आलू, फिर यहाँ पे मैंने लिया है अरबी, फिर भिंडी, गाजर, मटर। सब्जियाँ आपकी ऊपर डिपेंड करता है, जो मेन 2-3 इंग्रेडिएंट ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो आलू और फलियाँ। फलियाँ गवार फली भी हो सकती है, फ्रेंच बीन्स भी हो सकती हैं, ये आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। फिर लास्ट तड़का देने के लिए मिर्ची, लंबी खड़ी मिर्ची, ठीक है, थोड़ा सा आपकी कुटी हुई मिर्ची है, जीरा, ये हम आप लास्ट में यूज़ करेंगे, और धनिया, बाकी जो नमक मसाले मिर्ची जो हम यूज़ करते हैं वो। आइए देखें, पैन में हमने ऑलमोस्ट पहले 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया यहाँ पे, और इसके बाद में अपने पहले मसाले जीरा और राई वो डालूँगा, ठीक, लेट इट क्रैकल, और साथ में इसी के साथ जाएगा मेथी दाना। हल्का सा हमने एक फ्लेवर दे देना पहले स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट डन। हमारे पास कड़ी पत्ता, मेरे पास यहाँ पे छोटा कड़ी पत्ता है, फ्लेम हमने अब डाउन कर लेनी है, लो कर लेनी है, क्योंकि अब हमने इसमें अपना बेसन भूनना है, फिर हमारा जाएगा हींग 1 चुटकी ऑलमोस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसका कच्चापना खत्म करने के लिए बस इतना ही करना है कि उसका कच्चापना उसमें ना आए, उसका फ्लेवर शुरू हो गई। यहाँ पे अपने फ्लेम थोड़ी अपनी डाउन करके हमने अपना बेसन भून लेना है, बेसन जब तक भूनना है जब तक वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, स्लो फ्लेम पे ही भूने, जल्दी उससे नहीं, और लगातार चलाते रहें ताकि उसमें कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। सी फ्रेंड्स, बेसन मेरा ऑलमोस्ट बहुत अच्छी खुशबू देने लगा है, ठीक, खुशबू अब जब आने लग जाए और बेसन ऐसा गोल्डनिश हो जाए, बिल्कुल हमने याद रखना है कि ब्राउन नहीं करना है इसको, बहुत इसमें आगे खुशबू आने लग जाती है, तब हमने अपना टमाटर प्योरे इसमें ऐड कर देना है। कुकिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टाइमिंग, कब कौन सा मसाला कब कहाँ यूज़ किया जाए, कौन सा इंग्रेडिएंट कब कहाँ डालें, वो बहुत मैटर करता है, और यही कुकिंग में आपको एक्सपर्ट बना सकता है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है अपने फादर से, अपने मदर से यही सीखा है कि यू हैव अ टाइम फॉर एवरी रेसिपी, एवरी इंग्रेडिएंट जो आप डालोगे उसका एक टाइम होता है। अगर आप ये लहसुन आखिरी में डालोगे तो उसका फ्लेवर अलग होगा, बेसन आपका बाद में डालोगे उसका फ्लेवर अलग होगा। ठीक है, मेरा ये थोड़ा है, इसको मैं हल्का सा भून लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑलमोस्ट मसाला आ गया, मेरे टमाटर भून गए हैं, यहाँ पे मैंने अपनी हरी मिर्ची अब डाली है, फिर मेरा धनिया पाउडर, फिर मेरा गरम मसाला डाल के हल्का सा और भून के, फिर मैं इसमें अपना पानी ऐड करूँगा। सी, पानी मैंने एक तरफ बॉईल कर लिया है, बल्कि टास्किंग थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और सब काम थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी मैंने यहाँ बॉईल कर लिया है। फ्रेंड, सी पानी में डालना, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि हमने पानी जब डालना है हमने सातों साल इसको उसी टाइम कंस्टेंटली हिलाते भी जाना है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। सी इस तरीके से लम्स नहीं पड़ रहे, ग्रेवी आराम से गाढ़ी होती आएगी और आपको इसमें अपना पानी धीरे धीरे ऐड करते जाना है। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी इसमें चले जाता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। अब कई ने मेरे को कल कमेंट करा था कि भैया अब ये बताओ कि आप मसालों की क्वांटिटी, सी मसालों की क्वांटिटी सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कुकिंग जानते हो तो आपको पता होना है कि आपको नमक कितना डालना, मसाला कितना यूज़ होता है, और कुछ स्पेसिफाइड होता है तो मैं उसको क्लियर करता हूँ हर चीज़ को, इसलिए मैं ब्रीफ में बताता जाता हूँ। तो ये चीज़ तो आपको भी खुद अपने आप भी गैस करना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस भी आपको यूज़ करना पड़ेगा कि अब आपको कौन सा मसाला कितना यूज़ करूँगा। अब आप ऑब्वियसली 10 मिर्ची यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ 4 चम्मच दूसरा नमक यूज़ नहीं कर सकते जितनी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आके मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के आसपास नमक, मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और मुझे इसको अच्छे से पहले बॉईल लेना है, फिर मैं इसमें इमली वाटर और अपनी सब्जियां इसमें इंग्रीड करूँगा। बट अभी मुझे एक बॉईल लेना है, इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पे आकर के लोग कहेंगे सब्जियां इकट्ठी डाल दो, इकट्ठा बॉईल हो जाए, नहीं सर ऐसा नहीं। सी फ्रेंड्स, अब इसमें बॉईल आ गया एक बार अच्छा। यहाँ पे आके मैं अपना इमली पानी, मैंने थोड़ा सा जो इमली आप बॉईल भी करके बना सकते हो, इमली का पेस्ट भी आता है, डिपेंड करता है और कितना खट्टा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आके मैं हल्का से इसको फिर से बॉईल लूँगा, और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने भी यहाँ पे लिए हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले तल लिया है, ठीक है। तो जैसे जिसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ये आलू है तो वो मैं पहले डाल रहा हूँ, अरबी में थोड़ा जल्दी टाइम लगता है, बैंगन ऑलमोस्ट रेडी है, गाजर है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा चाहिए होता टाइम, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम करके आप इसको डालो, ऐड करो। मटर मेरे ऑलमोस्ट फ्रोजन है, बहुत जल्दी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको डाल के मैं साथ में हल्का हल्का इसको बॉईल दूंगा, एक बॉईल तक वेट करूंगा। सी फ्रेंड्स, एक बॉईल आ गया, मैंने इसमें अपना आलू प्याज मटर डाल दिया। अब इसके बाद मेरे जो बाकी सब्जियां हैं वो चले आएंगे, बैंगन, मेरे बीन्स। फ्रेंड्स, मैंने बताया मैंने सब कुछ फ्राई पहले ही कर लिया था, भिंडी, और ये देखो सर वाओ, इमली का पानी डालने के बाद ऑलमोस्ट कलर देखिए कितना जल्दी चेंज हुआ है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसको अच्छे से एक बॉईल लेना है, फिर हम लास्ट इसमें एक तड़का देंगे। वी आर ऑलमोस्ट डन, इट विल टेक 5 मिनट्स मोर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अब तड़के की तैयारी करनी है, इसको मेरा वो हो गया। यहाँ पे मैंने लेना है सरसों का तेल ऑलमोस्ट 2 चम्मच, और इसको बिल्कुल एकदम आपने काट लेना है, एकदम इसमें से धुआं आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका इसमें बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, और ये करने से आपका वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कड़वाहट इसमें होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको इसको एकदम गर्म कर लेना है, जब बहुत गर्म होगा तो हमने जो कूटा हुआ थोड़ा सा धनिया और अपना जीरा मिर्ची, बस ये हमने उसमें डाल के इसको गार्निश करके तड़का दे देना। उधर ऑलमोस्ट मेरी सिंधी कढ़ी रेडी है, फाइनल टचेस है इसमें, बस एक खुशबू आ जाए तेल की। सी फ्रेंड्स, इसने धुआं छोड़ दिया ऑलमोस्ट तेल ने मेरे। अब यहाँ पे आकर के मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देना है, बस हल्का सा इसको हमने कलर देना है और साथ में इसमें फ्लेवर आ जाना चाहिए तेल में। सिजल होने लग गया है, वाओ ये रोमा आना शुरू हो गया। गार्निशिंग इसके बाद आपके ऊपर से डिपेंड करता है, आप इसमें हरी मिर्ची क्या गार्निशिंग दो। इट्स ऑलमोस्ट डन, अब कुछ नहीं, हमने अपना तड़का, वाओ लुक एट द कलर गाइस, जस्ट लुक एट द कलर, ब्यूटीफुल, रेडी टू सर्व। सी फ्रेंड्स, माय रेसिपी इज़ रेडी, सिंधी कढ़ी रेडी है विद सम तड़का, ऑनियन राइस, सलाद,
थैंक्स। मैं कुछ जानों को स्पेशली कहना चाहूँगा, ये रेसिपी के कुछ टिप्स मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने दिए, थैंक्स, शी इज़ फ्रॉम इटली। फिर उसके सिवा मेरे बहुत फ्रेंड्स ने डिमांड भी करी थी, मेरे सिंधी फ्रेंड्स ने, तू बना। मैंने भी उनसे कई बार बहुत सारे टिप्स लिए हैं। आइए फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई, लवली ब्यूटिफुल डिश, एंजॉय, हैप्पी कुकिंग।